नमस्कार, प्रकाश अध्याय 9 चल रहा है हमारा और इसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे। इस प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया में हमने पहला केस देख लिया था, केस वन, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, वो तो हमने करके देख लिया था। अब कुछ चीजें बच गई थी, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति तो हमने देख ली थी और उसकी प्रकृति बच रही थी, तो उस एक केस वन को मैं दोबारा से चित्र बना के यहां कर लेता हूं। नंबर एक है केस वन, मतलब स्थिति एक। स्थिति वन में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जब केस वन क्या है, जब बिंब अनंत पर हो, बिंब कहां रखा हुआ है, अनंत पर, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका हमने चित्र भी बना लिया था। ये तो है अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष के बाद एफ और सी, ठीक है, बिंब रखा हुआ है अनंत पर, ये अनंत पर हमने बिंब को रख दिया। यहां से मैंने थोड़ा सा इसको कट कर दिया, जिससे क्या होगा कि इसकी जो बिंब की स्थिति है वो अनंत की पोजीशन में पहुंच जाएगी। अब किरण हम आपतित करते हैं, पहली किरण ये यहां आपतित हुई, चला गया, ये इस पर आपतित हो गई। हम पढ़ चुके हैं कि अनंत से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और ये यहां से चली जाएगी फोकस पे होके, मुख्य फोकस पे होके ये गुजरेगी, ये गुजर गई, ठीक है। इसी प्रकार से इधर से आने वाली किरण यहां गई, इस दर्पण पर आपतित हुई और आपतन के बाद इस फोकस से यह परावर्तित हो गई, ठीक है, यहां पर गई, ये इधर गई। अब हमें देखना है कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कहां मिल रही हैं, तो यह हमें दिखाई दे रहा है एफ पर, ठीक है। तो चित्र तो आपने कल बना ही लिया था, तो चित्र दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं है। हमने पढ़ लिया कि जब बिंब कहां हो, अनंत पर। अब हम प्रतिबिंब की बारे में लिख रहे हैं, प्रतिबिंब, इमेज, इमेज कहां कहां बनेगी, पहली चीज उसकी स्थिति, स्थिति कहां है, एफ यानी फोकस पर। यहां तक की बात हम देख चुके थे, अब आगे इसमें देखते हैं हम प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा कैसा होगा। देखिए आकार हम कैसे पता करेंगे कि जो वो मुख्य अक्ष से है, मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर वो किरणें आपस में मिल रही हैं, उससे हम आकार निर्धारण करेंगे। तो वो तो बिल्कुल मुख्य अक्ष पर ही मिल रही है, वहीं उसी पॉइंट पर मिल रही है, फोकस वाले पे, तो आकार बहुत छोटा, आकार छोटा बनेगा, ठीक है। उसका प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार, बताइए किरणें आपस में वास्तव में मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या हमें, हमने इन्हें पीछे बढ़ाया, क्या डॉट 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 किया, नहीं किया, इसका मतलब वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। तो ये प्रतिबिंब के बारे में जो हमें चीजें याद रखनी होंगी वो आप यहां से लिख लेंगे, वास्तविक, उल्टा, आकार बहुत छोटा, स्थिति उसकी फोकस पर ही रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं केस दो की, ये तो हमने स्थिति वन ले ली,
इधर ले रहा हूं मैं स्थिति टू, नंबर टू है केस टू, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जब बिंब, अब देखो स्थितियां मैं आपको यहां थोड़ी सी बना के दिखा रहा हूं कि हमें कौन कौन सी स्थितियों को हम ले लेंगे, किस किस स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहां पर मैं ऐसे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और इस लाइन पे मैं आपको सभी स्थितियों के बारे में चर्चा यहां कर देता हूं कि हम कौन कौन सी स्थिति का अध्ययन हम करेंगे। यहां पर हमने लगाया मिरर, दर्पण लगा दिया, कारूड मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हमें पता है कि यहां पर तो है इसका फोकस, इसको समझ लें आप पहले कि हम क्या क्या स्थितियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, यहां है इसका ध्रुव इस बिंदु पर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और यहां कहीं अनंत है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किन किन स्थितियों पर हमें बिंब को रखना है और यह देखना है कि प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो सबसे पहली स्थिति अनंत, यहां हमने रख के देख लिया अनंत पर एक, ठीक है। मैं इनके नामिंग नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको मैंने रखा ऑब्जेक्ट वन, इसका नाम रखा मैंने ओ वन, ऑब्जेक्ट वन यानी बिंब की स्थिति एक। तो प्रतिबिंब कहां बना था, एफ पर, यहां मैं लिख रहा हूं इमेज वन, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट वन इमेज वन, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू इस अनंत और इसी के मध्य में कहीं पर भी हम उसको रख सकते हैं, तो यहां मैंने रखा ऑब्जेक्ट टू, इन दोनों के मध्य में होगा कहीं भी। अब इमेज कहां होगी वो अब आप अपने दिमाग में अभी से थोड़ा थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लें कि इमेज, देखो मैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, पहले मैंने अनंत पर रखा था तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पर, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सी के पास ले आया, सी की तरफ लेके आ गया, मतलब ओ और सी के, ओ और अनंत के मध्य में कहीं भी, मैं थोड़ा सा उसको इधर यहां लेके आ गया, तो अब देखो इमेज भी थोड़ी सी यहां से इधर सरक जाएगी, सी और एफ के मध्य में। देखो अनंत पर था तो एफ पर, अब मैं अनंत और सी के बीच में किसी स्थान पर लेके आया तो ये इमेज होगी वो एफ और सी के बीच में किसी स्थान पर, इसको मैं इधर लेते जा रहा हूं, ये इधर से इधर पास में आती जा रही है, ठीक है। तो इमेज टू यहां कहीं बीच में बनेगी, यहां मैंने लिख दिया आई टू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट थर्ड मैं ले आया सी पर, तो इमेज भी कहां बन जाएगी, बिल्कुल सी पर ही, तो इमेज थर्ड यहां पर आ जाएगी आई थ्री। अब मैं इसको सी और एफ के बीच में कहीं भी ले गया तो ये मैं यहां लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट फोर, ऑब्जेक्ट फोर यहां कहीं बीच में, ठीक है। तो ये भी कहां हो जाएगा, सी और अनंत के मध्य में कहीं यहां पर हो जाएगी इमेज फोर, ठीक है। हम बिल्कुल बीच में तो नहीं बोल सकते लेकिन कहीं कोई स्थान ऐसा आएगा इन दोनों के मध्य की स्थिति पे जहां पर बन जाएगी हमारी इमेज फोर। अब मैं ले आया एफ पर ऑब्जेक्ट फाइव, तो इमेज कहां चली जाएगी, अनंत पर, आई फाइव हो गया, अनंत पर चला गया, वही रहा। जब अनंत पर थे तो एफ पर बना, जब अनंत और सी के मध्य में कहीं थे तो एफ और सी के मध्य में कहीं बना, इस तरह से स्थितियां अलग 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 परिवर्तित होती चली गई, तो ये हमें पता चल गया। अब हम सारी इमेजेस को अपने, अब बात रह गई ओ और एफ के मध्य की, तो ये हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे लास्ट में, क्योंकि इन दोनों के मध्य में होगा तो इसके पीछे ही इमेज बन जाएगी। तो पहले तो आप इसको बना लें जो मैंने ये बनाया है, फिर हम, और ओ वन मीन्स ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन के लिए है इमेज वन,
अब हम ले लेते हैं केस टू। केस टू में क्या होगा देखिए, केस टू में आपको अनंत और सी के मध्य में कहीं भी, ठीक है, तो जब बिंब अनंत एवं सी के मध्य, अनंत एवं सी के मध्य कहीं भी स्थित हो, उन दोनों के बीच में किसी स्थान पर स्थित अगर है तो क्या स्थिति होगी, लिख लें आप, बना लें एक बार। देखो चित्र बनाते हैं, मिरर गोली है, दर्पण बनाया मैंने और इस पर पॉलिश कर दी, पॉलिश करने के बाद यहां पर इसकी मुख्य अक्ष बना दी, ये मैंने बना दिया F, ये बना दिया C और यहां बना दिया अनंत और यहां बिंब को मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब बिंब को यहां पर रखते ही क्या होगा देखिए, अब आप बिंब को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, मुझे चित्र थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहां से हमें वही दो किरण निकालनी है, पहली किरण मैंने निक बनाई जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है, देखिए आप ध्यान से, पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, स्थिति हमें यह याद रखनी होगी जो हमने दर बनाई थी, और यह मुख्य अक्ष के समांतर वाली कहां से जाएगी, यह गुजरेगी एप से, ये गुजर गई ऐप से गई, ठीक है। यहां पर मैंने इसको इस तरह से चित्र को बना दिया है, बना लें आप इतना चित्र बनाए। अब देखिए दूसरी किरण, दूसरी किरण जाएगी, मिलाएंगे हम उसको, मैंने ऐप से निकाली, जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि अगर ऐप से जाती है तो कैसे हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो इसको मैंने कर दिया मुख्य अक्ष के समांतर। ये गई मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से। अब दोनों परावर्तित किरणें कहां मिल रही हैं देखिए, ये बिंदु है यहां पर, ये रहा, तो ये तो F है, ये C है या, और F और C के मध्य में किसी जगह पर दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बिंदु रहा, ये रहा हमारा प्रतिबिंब वाला बिंदु, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं पहले, तो हम प्रतिबिंब मतलब इमेज, ये हम ऑब्जेक्ट लिया हमने, सबसे पहले बात करते हैं उसकी स्थिति, स्थिति कहां होगी, किस कंडीशन पर होगा, तो उसकी स्थिति है एफ एवं सी के मध्य कहीं पर, ठीक है, बिल्कुल मध्य नहीं कहा जा सकता, दोनों के बीच में किसी स्थान पर ये बनेगा। दूसरी चीज है उस प्रतिबिंब का आकार कैसा दिख रहा है आपको, छोटा, तो आकार हो गया उसका छोटा, और प्रकृति, ठीक है, या उसका प्रकार कैसा होगा, वही वास्तविक एवं उल्टा, सारे सभी वास्तविक उल्टा बनेंगे इस कंडीशन तक, जो कंडीशन एफ तक की बनाई है यहां पर, सभी में इसी प्रकार का बनेगा।
ये हमारे केस टू, ठीक है। अब केस थ्री फोर फाइव, आगे तीन केस वो और एक नेक्स्ट वाला ओ और एफ के मध्य, ये हम अभी देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस इस थर्ड, स्थिति तीन। जब अब हमने दो स्थितियां देख ली, पहली तो हमने अनंत वाली देख ली और दूसरी अनंत और सी के कहीं बीच में जो थी वो स्थिति देख ली। अब तीसरी है, हम सी पर ही आ गए, ठीक है। जब बिंब वक्रता केंद्र सी पर हो तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले दे बताइए, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं कहां बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, ठीक है। अनंत पर तो एफ, अनंत और सी के मध्य तो एफ और सी के मध्य, उधर दूर आता जा रहा है दर्पण से, इधर हम दर्पण के पास जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर आता जाएगा। अब सी पर आ गए तो सी पर ही बन जाएगा। बनाइए आप दर्पण, बनाइए पहले तो चित्र बना के देखते हैं हम। दर्पण बनाइए, ये देखिए ओ एफ सी इतना बना लीजिए आप, क्या लिख देता हूं मैं सी, क्योंकि हम प्रतिबिंब भी बनाएंगे सी पर, इसलिए थोड़ा सा, और ये रख दिया मैंने यहां पर बिंब को, ठीक है। अब देखिए किरणें लेके आनी है, पहली किरण वही समांतर लेके आए मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के बाद कहां से गुजर गई, फोकस से ये किरण गुजर गई, ये गई यहां से और फोकस से ऐसे गुजर गई, ये आई और ये यहां से गई। पहली किरण बना ली, दूसरी किरण वही उसी की तरह फोकस से लाओ और इसको यहां से गुजार दो, ठीक है। ये मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा हमें कोई इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा,
पड़ सकता है। अब मैं इसको यहां से इस तरह से गुजार देता हूं, मैंने इसको इस इधर से बढ़ाया और ये यहां से चली गई, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा पास ही बना है, जहां हम बनाना चाह रहे थे वहां अभी भी इसकी स्थिति नहीं आ रही है। तो ये चेंजिंग हमें करने पड़ सकते हैं क्योंकि हम यहां कोई स्केल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें इस तरह के चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ये दूरी का देखो, ये तो फोकस से ऐसे गई, ये ऐसे, ओहो, ये ऐसे चली गई, ठीक है, ये गई इस तरह से। दूसरी किरण जो यहां से इस तरह से आई यो, और ये परावर्तन के बाद यहां से इस तरह से चली गई। अब देखो, अब बिल्कुल सही बन गया इस तरह से। अब प्रतिबिंब कहां बना, सीधा का सीधा सी पर ही, यहां पर देखिए उल्टे सीधे बनाए मैंने, एक को ऊपर की तरफ रखा तो दूसरे का नीचे की तरफ एरो मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये तो स्थिति हो गई इसकी। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी। प्रतिबिंब साथ ही साथ लिख रहे हैं हम, प्रतिबिंब सबसे पहली बात है स्थिति सी पर, सी पर था, प्रतिबिंब भी हमें सी पर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद है उसका आकार, आकार बिंब के बराबर, बिंब के बराबर आकार उसका बिंब के बराबर है। अब है उसकी प्रकृति या प्रकार, एक तो वास्तविक दिख रहा है हमें और उल्टा बाहु, ये आपको याद रखना है, जब सी पर हो तो इस तरह की स्थिति आएगी। नेक्स्ट फोर, चार नंबर केस फोर, जब बिंब सी एवं एफ के मध्य किसी स्थान पर हो, ठीक है, हम बिल्कुल मध्य नहीं कहा जा सकता, जब बिंब सी एवं एफ के मध्य किसी स्थान पर स्थित हो, देखिए चित्र बनाते हैं, स्थितियां चित्र से ही क्लियर होंगी और जगह हमें पहले से पता होनी चाहिए। अगर जगह हमें पहले से पता है ना कहां बनाना है, तभी हम बिना किसी स्केल और बिना किसी, यहां पर हम कोई साइंटिफिक प्रोसेस तो फॉलो कर नहीं रहे, हम एक चित्र बना रहे हैं, रफ चित्र बना रहे हैं, तो वो हमें जगह पता होनी चाहिए जिससे कि हम चित्र सही जगह पर बना पाए, ठीक है। ओ एफ और सी, बिंब की स्थिति है सी और एफ के मध्य में किसी भी स्थान पर, मैंने यहां मान लिया। अब हमें पता होना चाहिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी से दूर, मतलब इससे कहीं दूर बनेगा, अनंत के और इसके मध्य के स्थान पर, किसी स्थान पर हम बनेगा, अनंत पर तो बनेगा नहीं, लेकिन सी से दूर बनेगा और अनंत से पहले बनेगा, अनंत पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम अलग अलग किरणें लाते हैं, वही पहली किरण समांतर, देखो मैं सारी सभी चित्रों में दो ही चीज, दो तरह की किरणें बना रहा हूं, पहली समांतर ला रहा हूं जिसको मैं ऐप से गुजार रहा हूं, ये समांतर आई और इसको मैंने ऐप से गुजार दिया, ये ऐप से गुजर गई, ठीक है। दूसरी किरण मैं ऐप से गुजार, ऐप से लाऊंगा जो कैसी हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, ऐप से लाया, अब इस पर आपतित हुई और आपतन के बाद इसका परावर्तन होगा और ये इसके समांतर हो जाएगी किरण, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, ये देखिए अब ये किरण इसके समांतर हुई,
और ये ऐसे यहां से गुजर गई। ये देखिए ये यहां से इस तरह से चली गई। अब ये कहां मिली? सी से दूर यहां पर किसी स्थान पर मिली, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहां हो गया। सी से दूर प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है। तो ये चित्र आप बना लेंगे। अब उसकी स्थिति, बिंब की स्थिति तो हमने लिखी ली। अब हम लिखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बन रहा है और किस तरह का बन रहा है? तो पहली उसकी स्थिति सी से परे एवं अनंत से पहले, ठीक है। अब आते हैं उसका आकार कैसा दिख रहा है आपको, छोटा या बड़ा? आकार बनेगा उसका बड़ा, ठीक है। प्रकार उसका प्रकार वही वास्तविक तो है ही, क्योंकि किरणें आपस में मिल रही हैं और साथ में उल्टा भी है, तो वास्तविक एवं उल्टा, ये उसका हो गया प्रकार या प्रकृति। हो गया। नेक्स्ट है केस नंबर चार, स्थिति नंबर चार के बाद स्थिति नंबर पांच। देखिए हम सी और एफ के बीच में आ गए, हम एफ आएंगे। तो नेक्स्ट है नंबर पांच, जब बिंब F पर स्थित हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, जब अनंत पर था तो कहां बना था? F पर। अब हमने F पर रख दिया तो कहां बन जाएगा? अनंत पर, ठीक है। देखिए चित्र बना के देखते हैं। ये मुख्य अक्ष ओ एफ सी, यहां पर मैंने बिंब को रखा हुआ है, यहां पर बिंब को मैंने रखा हुआ है। अब हम अलग अलग किरण बना रहा हूं मैं, एक किरण तो वही मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से गुजर जाएगी? एफ से गुजर जाएगी। ये तो ऐप से गुजर गई, ये यहां पर आई और ऐप से चली गई, पहली किरण हो गई। अब दूसरी किरण, दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित करवा रहा हूं मैं, दूसरी किरण को मैं आपतित करवाऊंगा ध्रुव पर। ये ध्रुव पर, और हमने पढ़ा हुआ है कि जिस कोण पर आती है उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब ये इसी कोण से यहां पर परावर्तित हो जाएगी। ये लो, ये चली गई। अब ये दोनों किरणें जब इधर जाएंगी तो ऐसा दूर 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 होती चली जाएंगी। इसका मतलब आगे ये किरणें मिलने की संभावना बहुत कम है, मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। जब मिलेंगी नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, कहां मिलेंगी? अनंत पर जाके मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो यहां हम लिखते हैं प्रतिबिंब सबसे पहली बात उसकी स्थिति कहां है? अनंत पर। इसको हम क्या लिखते हैं? अनंत, ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है, दूसरी बात है यहां पर उसका आकार, आकार कैसा होगा उसका? बहुत बड़ा, जब बहुत छोटा था, और यहां पर होगा बहुत बड़ा। और नंबर तीन है उसका प्रकार, प्रकार तो वही उसका वास्तविक ही होगा, मिलेंगी, और
उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। हो गया। नेक्स्ट है स्थिति नंबर लास्ट इस दर्पण की, सिक्स स्थिति। ये स्थिति क्या है? यूजफुल स्थिति है, ये बहुत काम की स्थिति है। देखिए नंबर छह केस सिक्स, जब बिंब एफ एवं ओ के मध्य कहीं स्थित हो। बनाते रहें आप आराम से। देखिए चित्र, देखिए वो यहां पर F, C और इंफिनिटी, ठीक है। अब हमने यहां पर बिंब को कहीं रखा है, तो मैंने यहां बिंब बना दिया, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा चेंज ये करता हूं कि बिंब का कलर भी बदल देता हूं। तो मैंने यहां पर कहीं पर बिंब को इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब बिंब को रखा, इससे अलग अलग प्रकार की वही किरणें, दो प्रकार की किरणें में बनानी है। तो ये जो दो स्थिति है ना, इनमें आपको ध्यान रखना है, सभी स्थितियों में हमने एक समानता किरण तो बनाई है सभी स्थितियों में। तो सभी स्थितियों में आप एक तो समानता किरण बना देंगे, ठीक है। अब या एफ से पहले की जितनी स्थितियां थी या अनंत को छोड़ करके, वो हमने क्या किया कि उनको हमने इस तरह से यहां से एफ से गुजार लिया था और इसके समांतर कर लिया था, दोनों अपोजिट किरणें हमने बना ली थी। लेकिन यहां इस स्थिति में और इस स्थिति में एक समांतर किरण तो बनानी है, ठीक है। दूसरी हम ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण बनाएंगे। तो एक तो मैंने बना ली है इसके समांतर आने वाली किरण, ये समांतर आई और कहां से गुजर जाएगी, ये चली गई फोकस से, मैंने इसको फोकस से वापस भेज दिया है, इस तरह से फोकस से चली गई, ठीक है। ये यहां सी है। अब दूसरी किरण सी पर आपतित होगी, दूसरी किरण ओ पर जाएगी यहां से। देखिए ये मैंने बनाई दूसरी किरण ओ के लिए, और जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी, ये इधर इस तरह से चली गई। अब अगर मैं इनको इधर बढ़ाऊंगा तो इधर तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब इधर तो कहीं ये इनके मिलने के चांस है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, यदि इन किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, इस दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाऊं, तो जब पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो मैं देखूंगा कि एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर दोनों आपस में मिल जाएंगी। देखो मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूं, इस ओ को थोड़ी देर के लिए मैं नीचे रख रहा हूं, और मैंने इसको यहां से ऐसे पीछे बढ़ाया, देखा ध्यान से आप, और इसको भी मैंने यहां से इस तरह से यूं पीछे बढ़ाया। एक स्थान ऐसा आया जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किरणें यहां पर मिल रही हैं। क्या इसका मतलब? प्रतिबिंब कहां बना है? दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब कैसा है यहां पर? सीधा। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा आ रहा था, इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, और यहां पर सीधा है लेकिन वास्तविक नहीं है, क्योंकि किरणों को हम पीछे लाके हमने मिला करके देखा है,
इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा तो है लेकिन आवासी भी है साथ के साथ, ठीक है। तो ये स्थिति यहां पर निर्मित होती है। तो या मैं लिखता हूं साथ में ही प्रतिबिंब के बारे में भी यहां पर मैं जो बातें हैं वो मुख्य मुख्य बातें लिख देता हूं मैं। प्रतिबिंब सबसे पहली बात है, उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। दूसरी चीज, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंब से बड़ा, बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब आती है प्रतिबिंब का प्रकार या उसकी प्रकृति। तो एक तो आवासी है और सीधा है, ठीक है, आभासी और सीधा। इस तरह से हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पूरा यहां पर हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसका एक क्विक यहां पर आपको रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। देखिए क्विक रिवीजन क्या होगा, बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति जो कि आपको लिखनी होगी, ये कॉलम मैं खाली रखूंगा, ये वाला दो कॉलम मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले जब बिंब कहां था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना था, एफ पर। प्रतिबिंब की प्रकृति छोटा था, वास्तविक था, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। प्रकृति और प्रकृति के साथ में हम आकार भी यहां पर लिखते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वा, ये कॉलम खाली छोड़ने के लिए कहा था लेकिन अभी मैं लिख ही रहा हूं इसमें, वाऊ, और आकार कैसा होगा उसका, छोटा, इसलिए मैं उसको मिटाई देता हूं, ठीक है। देखिए दूसरी स्थिति है अनंत एवं सी के मध्य किसी स्थान पर, तो कहां बन जाएगा, एफ एवं सी के, देखो उससे दूर चलता चला जाएगा, मध्य किसी स्थान पर, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं नीचे से, प्रकृति में बाहु तो रहेगा ही रहेगा, बाहु तो रहेगा ही रहेगा और छोटा भी रहेगा, ठीक है। तो प्रकृति आप अपने आप लिखेंगे या प्रकृति आप अपने आप लिखेंगे, दोनों जगह। तीसरा केस है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अगर सी पर है तो कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी एंड एफ के मध्य किसी स्थान पर, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं यहां पर, सी एवं एफ के मध्य किसी भी स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, सी और अनंत के मध्य किसी स्थान पर, ठीक है। अगला पांचवा है, अगर एफ पर है तो कहां बन रहा है, अनंत पर, ये आप करेंगे, ठीक है। और नंबर सिक्स, एफ एंड ओ के मध्य तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, ये हमें याद करना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बनेगा, इन्हीं से प्रश्न बनेगा, एक बड़ा प्रश्न बनेगा,
और एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ये आपने कर ही लिया है। तो इस तरह से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमारा यहाँ पूरा होता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग और फिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण वो हम करेंगे अगली क्लासेज में। नमस्कार।